क्या? एक लड़के साहब को व्हाट्सएप करना पड़ेगा। इनके गाड़ी नंबर भी, गाड़ी नंबर लो इनके। रुको इनको मुंह खोल दो, मुंह खोलो जरा, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हाँ हाँ मुंह खोलो। देखो सर, अरे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। अरे सर मानो तो है सर, अरे आपको बोल रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ जब मैं आपको समझ रहा हूँ। लाइक कैसे वीडियो जरा, ये जबरदस्ती कर रहा है, कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी के चलते पूरा देश इसकी चपेट में है। इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन कर्फ्यू लगाया गया है, सभी को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है। ऐसे में सतवास के दो आरोपी 40 किलोमीटर दूर ग्राम सुरलाय नर्मदा नदी के किनारे मछली पकड़ने पहुंच गए। हैरानी की बात तो यह थी कि शिक्षित होने के बावजूद भी सरकारी शिक्षक अनवर शेख ने प्रशासन के आदेश का उल्लंघन किया। पहले भी इन दोनों बाप बेटों पर महिलाओं को प्रताड़ित करने जैसे कई मामले इंदौर और सतवास में दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना सतवास पर विभिन्न धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिन पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात कोटवार विजय सिंह द्वारा गाड़ी रोके जाने पर उससे मारपीट व गाली गलौज की। ऐसे में आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रशासन की इतनी सख्ती और लॉकडाउन कर्फ्यू लगे होने के बाद भी आरोपियों ने 40 किलोमीटर की दूरी बाइक से कैसे तय कर ली, क्योंकि रास्ते में पुलिस ने कई चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं। ऐसे में आसानी से 40 किलोमीटर का सफर तय करना प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सतवास से चंचल भारती की रिपोर्ट।